हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए, कमेंट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस मुल्क से, जिस जगह से आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आप महफूज हैं, आप खुश हैं और आप अपनी फैमिली के साथ अच्छी अच्छी यादें बना रहे हैं। आज इधर वैलेंटाइन डे है, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में ही वैलेंटाइन डे जो है वो मनाया जाता है, तो मैंने सोचा उसके बारे में थोड़ी सी वीडियो तो बनानी चाहिए। तो मेरी तरफ़ से, मेरे फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी वैलेंटाइन। और वैलेंटाइन की हिस्ट्री थोड़ी सी बताना चाह रही थी कि जो वैलेंटाइन को हम बहुत डिफरेंट तरीके से अब देखते हैं, जो स्टार्ट हुआ था वो ऐसे नहीं था। सेंट वैलेंटाइन कैथलिक प्रीस्ट थे, वो चूँकि वो मज़हब का प्रचार करते थे, तो उनको जो रोमन जो क्लोडियस था उसको ये बात पसंद नहीं थी, तो उसने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। मज़हब के नाम पे तो हमेशा से होता रहा है, साल से, हज़ारों सालों से कहना चाहिए, आज तक भी यही सिस्टम है, होता जा रहा है कि मज़हब के नाम पे लोगों को जेलों में डाला जाता है, मारा जाता है, मर्डर किया जाता है, उनको कत्ल किया जाता है, फांसी दी जाती है। आखिर में सेंट वैलेंटाइन को भी जो है वो फांसी ही दी गई थी, मार ही दिया गया था उनको भी मज़हब के नाम पे। तो वो जब जेल में थे तो वो जेल में उनके साथी थे उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। और जो है वो जो जेलर था उसकी बेटी थी, वो अंधी थी, तो सेंट वैलेंटाइन ने, वो कहते हैं कि उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ की तो उसकी आंखें ठीक हो गई, तो वो उनको अपनी बेटी समझते थे। तो वो अपनी बेटी को जो अडॉप्टेड कह लो या उन्होंने जो उसको ठीक किया था, तो वो उनको अपना बाप समझती थी, तो वो उसको लेटर्स लिखा करते थे, तो लेटर के नीचे जो था वो उसको लिखते थे योर वैलेंटाइन। तो उसके और उसके बीच में वो जहाँ पे उनको कैद किया गया था, तो सिर्फ़ एक खिड़की थी। ये हिस्ट्री, ये मैंने रिसर्च किया, हिस्ट्री है ये, मैं अपने पास से कुछ नहीं बना रही। अगर किसी को इस बात पे कोई इतराज़ हो तो वो जाके उस पर गूगल पे चेक कर सकता है। तो एक विंडो थी जिसके बाहर गुलाब के फूल लगे हुए थे, तो वो अपना हाथ बढ़ा के वहाँ से पत्तियाँ ही सिर्फ तोड़ सकते थे, पूरा गुलाब नहीं तोड़ सकते थे, तो वो लेटर के बीच में उनको डाल के भेजते थे। तो ये ट्रेडिशन इस तरह चली। फिर चलते चलते जो है वो ऐसे बहुत सारे मुल्कों में ये है कि जो फैमिलीज़ जो हैं वो वैलेंटाइन डे को एज ए फैमिली मनाते हैं, वो एक दूसरे को स्वीट्स दे, मीठी चीज़ें देते हैं, और जो है इस हारे यकजहती और फैमिली की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को वो करते हैं। और जो है क्या से कहते हैं, फिर बच्चों, पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्वीट्स, टॉफियाँ, चॉकलेट्स वगैरह देते हैं। कई मुल्कों में ऐसे होता है। मैं अपने घर का बताती चलूँ कि मैं अपने बच्चों को एक बास्केट बनाती थी, उसमें छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटे थे जब से भी मैं उनके कमरों में रात को रख देती थी, तो रेड कलर के जो इस तरह की चीज़ें जो है लड़कों के टाइप की, दाऊद के कमरे में लड़कियों के टाइप की, तो मैं उनको कहती थी यू आर माई वैलेंटाइन। और जो है हमारे घर में, चूँकि ये एक्चुअली जो था ये बाप का प्यार था बेटी के लिए, एक्चुअली वैलेंटाइन ये है, लेकिन जो है अब जो है वो लड़कियां लड़कों ने और इस तरह बहुत सारा वो हो गया, कपल्स का हो गया। तो जो है हमारे घर में हमारी बेटी को हमेशा उसका बाप ज़रूर कोई ना कोई चीज़, अच्छी चीज़, बड़ी चीज़ लेके देते थे वैलेंटाइन पे। और मतलब उसको कभी कभी बाप और बेटी सिर्फ दोनों ही डिनर पे जाते थे, और ये हमारे घर की ये ट्रेडिशन है, थी, अभी भी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती। लेकिन वैलेंटाइन पे जो है वो कलरफुल जो है वो कलर रेड ज़्यादा यूज़ होता है, लोग रेड फ्लावर्स ज़्यादा क्या देते ही रेड फ्लावर्स हैं, या सिंगल फ्लावर या ये, और अपने प्यार का इजहार करते हैं कपल्स जो हैं, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो हैं वो करते हैं। लेकिन मेरी बेटी को सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, वाइट रोज़ेस, तो इसलिए उसको हमेशा वाइट रोज़ेस ही मिलते हैं। और कल भी बड़ी मुश्किल से मिल नहीं रहे थे, हम पता नहीं कितने स्टोर्स पे गए तो हमें वाइट रोज़ेस मिले, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो बेशक वो अपने घर में है, और वो बता रही थी कि उसका हस्बैंड भी उसके लिए वाइट रोज़ेस ही ले करके आए हैं, तो मैं अभी आपको उसके वाइट रोज़ेस भी दिखाती हूँ। तो कहना सिर्फ ये चाहती हूँ कि अब जो है वो बहुत ज़्यादा इसको गलत तरीके से भी किया जाता है, जो है मैं उनको, बच्चियों को ये समझाना चाहती हूँ, बच्चों को ये कहना चाहती हूँ
कि प्यार तो एक लाजवाब जज्बा है, खुदा की तरफ से है, उसने भी हमें बहुत प्यार किया, लेकिन इसको गलत रास्ते पे नहीं लेकर के जाना चाहिए, इसको खूबसूरत ही रहना चाहिए। और मैं कहती हूँ जो बाप हैं जिनकी बेटियाँ हैं, आप वैलेंटाइन उनके साथ मनाएं, और ये नया इस जिस वैलेंटाइन को गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें। सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, मेरी तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी वैलेंटाइन। तो अभी आपको मैं फूल दिखाती हूँ जो मुझे मिले हैं, जो हम अपनी बेटी के लिए लेकर के आए। ये देखें, ये वाइट, उसको वाइट रोज़ेस पसंद हैं तो उसके लिए हमने वाइट रोज़ेस लगाए हैं इधर। ये मुझे मिले हैं वैलेंटाइन के फूल जो हैं, और मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज़, और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। आज चूँकि प्यार मोहब्बत फैलाने का दिन है, तो किसी के लिए अच्छा कर सके तो ज़रूर करें, और खुश रहें जहाँ भी रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में ऊपर वाला सब करने के।